हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसा फॉल्ट डला स्टार्टर के अंदर, स्टार डेल्टा स्टार्टर था वो, कि दोस्तों वो फॉल्ट मुझसे भी नहीं निकला। उसके बाद मैंने एक और अपने दोस्त को बुलाया जिसका नाम था हरपाल और वो कलायत का रहने वाला है। तो दोस्तों उसकी मैंने राय ली, उसने मुझे समझाया कि आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, तो उसके बाद भी वो फॉल्ट नहीं निकला। उसके बाद फिर एक और मेरा दोस्त आया, हम तीनों ही उस पर लगे रहे, लेकिन दोस्तों वो फॉल्ट निकला नहीं। बड़ी मुश्किल से वो फॉल्ट निकला। उस एक्सपीरियंस को ही, जो तजुर्बा हमने हासिल किया है आज, उसको आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक स्टार्टर था, स्टार डेल्टा स्टार्टर। होता ये था कि जैसे तीन कंडक्टर लगे होते हैं, एक मेन कंडक्टर, एक स्टार का कंडक्टर और एक डेल्टा का कंडक्टर। तो हो क्या रहा था कि जैसे हम स्टार्टर को चलाते थे, तो शुरू में स्टार में मोटर चलती थी, स्टार्टर चल रहा था, फिर डेल्टा में स्टार्टर चल जाता था और मोटर भी चल जाती थी। और चलते चलते क्या था, 5 मिनट चले या आधा घंटा चले या 1 घंटा चले, चलने के बाद जो उसका डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है वो ब्लास्ट हो जाता था। जी हाँ, उस कॉन्टैक्टर की पत्तियां चिप जाती थी। शुरू में तो मैंने टाइमर को चेंज किया, एक टाइमर मैंने नवा मंगाया पैरागोन का, और वो टाइमर उसके अंदर लगाया ताकि ये फॉल्ट निकल जाए, लेकिन ये फॉल्ट नहीं निकला। स्टार वाला जो कॉन्टैक्टर है, उस स्टार वाले कॉन्टैक्टर की शायद पत्तियां चिपकी चिपकी रह जाती होंगी, और जब स्टार्टर डेल्टा में आता होगा तो ये इसलिए ब्लास्ट हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि जो स्टार वाला कंडक्टर है उसकी तीनों जो पत्तियां हैं कंडक्टर के ऊपर लगी हुई हैं, ML4 का कंडक्टर था, 70 एम्पियर का LNT का, तो मैंने वो पत्तियां तीनों निकाल दी उस कंडक्टर में से। और फिर उसके बाद मैंने जब स्टार्टर चलाया तो शुरू में ही वो ब्लास्ट हो गया। बताइए, जब स्टार के कंडक्टर की तीनों पत्तियां निकल गई हैं, ठीक है, उसके बाद भी डेल्टा वाला कंडक्टर ब्लास्ट हुआ। उसके बाद फिर मैंने अपने दोस्त की राय ली जिसका नाम है हरपाल, जो कलायत का रहने वाला है। उसने मुझे कहा कि जो तुम्हारा डेल्टा वाला कंडक्टर है, कई बार ये शॉर्ट हो जाता है, ML4 का कंडक्टर 70 एम्पियर का। तो मैंने कंडक्टर को नवा लगा दिया, और उसके बाद जो स्टार का कंडक्टर था, कई बार वो ऑन होता था और अंदर का अंदर ही रह जाता था, जबकि उसकी पत्तियां मैंने निकाल दी थी, बाहर ही नहीं आता था, वो आता था हल्का सा बाहर आता था और अटक जाता था। तो मुझे उस पर डाउट हुआ कि शायद इसकी वजह से ये हो रहा है। हुआ ये कि जब मैंने तीसरा मिस्त्री बुलाया, मतलब कि जो मेरा तीसरा फ्रेंड आया, उसने कहा कि एक काम करते हैं, कॉन्ट्रेक्टर दोनों ही नवे मंगा देते हैं, स्टार का और डेल्टा का दोनों कॉन्ट्रेक्टर हमने नवे लगा दिए। तब हमने स्टार्टर चलाया, स्टार से डेल्टा में स्टार्टर चला, मोटर चली, 5 मिनट चली, उसके बाद दोबारा फिर वो कंडक्टर ब्लास्ट हो गया, स्टार वाला नहीं डेल्टा वाला कंडक्टर ब्लास्ट हो गया। अब आप कहेंगे कि रह क्या गया। उसके बाद थी जो रिले लगी होती है, थर्मल ओवरलोड रिले, हमने मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर लगाया, जो किलोमीटर होता है उसके साथ हमने टेस्ट किया कि शायद कोई कंडक्टर शॉर्ट हो, कोई पत्ती शॉर्ट हो इसकी, कहीं किसके साथ कुछ शॉर्टिंग हो, ऐसा कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि जो रिले थी उसकी फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, थर्मल ओवरलोड रिले की, वो रिले मैंने खोल भी ली थी और अंदर से भी बिल्कुल नवी पड़ी थी, बिल्कुल साफ थी। तो दोस्तों वो फॉल्ट था क्या, मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाता हूँ। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये था वो सबसे खतरनाक स्टार डेल्टा स्टार्टर, सारा दिन स्टार्टर पे लग गया था। तो दोस्तों जो वो फॉल्ट था वो मैं आपको आज बता ही देता हूँ। देखिए ये जो वाइट वाले जो कॉन्टैक्टर हैं, जो दोनों ये ML4 के 70 एम्पेयर के कॉन्टैक्टर हैं LNT के, ये दोनों ही नवे डाल दिए थे मैंने इसके अंदर। और दोस्तों जो फॉल्ट था वो फॉल्ट क्या था, जी हाँ, थर्मल ओवरलोड रिले का फॉल्ट था। जी हाँ, उसकी वजह से ही दोस्तों ये फॉल्ट आ रहा था। 5 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा स्टार्टर चल जाता था, स्टार डेल्टा में चल जाता था, स्टार से डेल्टा में स्टार्टर चल जाता था और मोटर भी चलती रहती थी लगातार। जैसे क्या होता, 5 मिनट के बाद ब्लास्ट हो या 1 घंटे बाद, ये वो रिले है, देखिए थर्मल ओवरलोड रिले। दोस्तों
मीटर को, क्लंप मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर लाकर भी मैंने टेस्ट किया, ये शॉर्ट नहीं बता रही थी, जबकि इसके बगैर ये फॉल्ट निकल गया था। जी हाँ, और अब मैं इस रिले को खोल के दिखाता हूँ आपको। जब मैंने रिले खोल दी और इसके अंदर देखा, हो सकता है कहीं शॉर्ट सर्किट हो जिसकी वजह से वहाँ हमें ना पता लग रहा हो। जी नहीं, बिल्कुल ब्रांड न्यू अंदर से ये रिले थी, लेकिन इस रिले को निकालने के बाद ये फॉल्ट निकल गया था कि डेल्टा का कॉन्टैक्टर ब्लास्ट नहीं हो रहा था। ये देखिए, कहीं से लग रही है आपको ये रिले कि ये शॉर्ट है या अंदर से कोई ख़राब है, फॉल्ट था।